नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, आप सबको पता है कि JBT की और यहाँ पर PRT की पहले वैकेंसी आई थी, और अभी हाल फिलहाल में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई थी। तो दो नोटिफिकेशन जुड़े हुए हैं, उनसे वो डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन जो है, इसको आए 2-3 दिन हो चुके हैं, और मैंने इसका दोनों का PDF भी है टेलीग्राम पे शेयर किया था, बट काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाए हैं। तो वीडियो के माध्यम से मुझे लगा कि बताना आवश्यक है, ताकि जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरना शुरू किए हैं, वो एटलीस्ट इस काम को शुरू कर पाएं, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और ये नोटिफिकेशन शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की के लिए तो एक अच्छी बात है ही, और साथ में एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक अच्छा मौका भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो मैं बता देती हूँ, एक तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दो आई थे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में। जैसे ही आप जाएंगे, नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन डेट ऑफ इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JBT, है ना, एक तो ये चीज़ थी। तो इस नोटिफिकेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इन्होंने बेसिकली डेट्स बढ़ा दी हैं। डेट्स बढ़ाने का मतलब है कि जो इन्होंने JBT और PRT की डेट्स रखी थी, वो जो है मोर ओवर 20th of October तक बढ़ा दी है। ये आप देख पा रहे होंगे, है ना, 10-10 से इन्होंने कहा कि लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर, आई होप कि ये विजिबल होगा, विजिबल है, ठीक है, 10-10 से कह रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, ठीक है, 10-10-2023 से कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। 12 तारीख को हम यहाँ पर डिपॉजिट करवाएंगे एप्लीकेशन फी, और कह रहे हैं कि डिस्प्ले ऑफ जो फी कन्फर्मेशन होगी हमारी, वो रहेगी 20 तारीख को, है ना, 20 अक्टूबर को। तो एक अच्छी बात है कि 10-10 तक ये डेट्स बढ़ा दी गई हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके, यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो 293 वैकेंट पोस्ट थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये वाली पोस्ट नहीं है जो अभी हाल फिलहाल में स्पेशल एजुकेटर की आई है, वो अलग है। तो दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। तो एक तो ये नोटिफिकेशन था। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे पीछे की तरफ, यहाँ पर देखिए नोटिस रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ JBT। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर JBT के पोस्ट में क्लैरिफिकेशन को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, सीटेट वाले को लेकर के, कि सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड मांगा है, पेपर 1 क्वालिफाइड मांगा है। तो जो आपका JBT का जो पेपर होने वाला है, उसमें इन्होंने बेसिकली सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड मांगा है। आप सबको पता भी है कि प्राइमरी लेवल पर जब हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो बेसिकली वहां पर ये लोग डिमांड करते हैं किसकी, सीटेट पेपर 1 की, ठीक है। ये आप देखिए, काफ़ी सारे बच्चे डाउट में थे। 25 तारीख को नोटिफिकेशन इन्होंने गाइडलाइंस के थ्रू यहाँ पर डाला है। ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन इसलिए दी है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मेल के द्वारा पूछा था। कह रहे हैं कि ऑप्शन जो है यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ ESM नॉट अवेलेबल इन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर जो है कैटेगरी का एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो कह रहे हैं कि भाई जो EWS PWD वाले कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनको जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो रिलैक्सेशन है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप सबको पता है कि बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन में PWBD वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, EWS वालों को जो है यहाँ पर देखा जाए तो 3 उन साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। हर एक स्टेट का एक अपना अलग जो क्लैरिफिकेशन रहता है। तो वो इन्होंने बता दिया कि जो आपको रिलैक्सेशन है कोटा का, EWS में वो देंगे, PWD में यहाँ पर आपको कैंडिडेट का एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दोनों हम आपको देंगे। BLED के रिगार्डिंग कहा है, क्वालिफिकेशन कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में हमने मेंशन भी किया है, और ये कह रहे हैं कि सीटेट 1 और सीटेट 2 के लिए जो बच्चे JBT में जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं NCT के माध्यम से, एज पर द रूल रेगुलेशन ऑफ NCT, कह रहे हैं कि वहां पर 1 से 5वीं तक को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 1 चाहिए। ये आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए कह रहे हैं कि पेपर 1 आपको चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाइड किया है, पेपर 1 क्वालिफाइड नहीं है सीटेट का, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशन आपको 3 सवालों को लेकर के हो गई होगी। कोटा जिन बच्चों का है EWS PWD में, उनको फायदा मिलेगा। BLED को लेकर के इन्होंने कहा है कि हमने सारी क्लैरिफिकेशन दे दी है क्वालिफिकेशंस को लेकर के, कि यही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और JBT के लिए कह रहे हैं कि पेपर 1 आपका इम्पॉर्टेंट है, पेपर 2 वालों के लिए हम यहाँ पर जो है क्राइटेरिया हमने नहीं रखा है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे NCT जो करवाती है पेपर, ये इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म एप्लीकेशन नहीं शुरू किया है भरना, उसको भर दीजिए, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और अच्छी बात यह है कि JBT और PRT में जो स्पेशल एजुकेटर है, जनरल पेपर इन्होंने पूछा, वो दोनों के दोनों सेम है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट किताबों को लेकर के,
और साथ में ये भी डिस्कस किया है कि कैसा आपको प्रिपेयर करना है, पंजाबी लैंग्वेज का कितना रोल है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो बिना किसी परेशानी के आप चैनल के ऊपर विजिट कीजिए और बाकी चीज़ों को देखिए और उसका जो है लाभ उठाइए। बाकी प्रिपरेशन भी उस पर चली रही है सारी की सारी, जो कि आपको JBT में, EWS में, DSSSB में और आने वाले जो UGC नेट का आपका पेपर, उसमें भी आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि अब क्लियरिटी आपको आ गई होगी जिन जिन बच्चों को डाउट था। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको क्लेरिफिकेशन में अभी भी डाउट था। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।